हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 8D के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, लिखा है इफ m इज इक्वल टू log 20 एंड n इज इक्वल टू log 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट 2 log ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल टू 2m माइनस में n। ओके बेटा, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समझेंगे। सॉल्यूशन समझिएगा बेटा, दिया हुआ है 2m, 2 log x ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल टू 2m माइनस n। ये चीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में, इस चीज़ को पहले लिख लेंगे। 2 log ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल टू 2m माइनस में n। ओके, m की वैल्यू गिवन है log 20, n की वैल्यू गिवन है log 25, उठाकर इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 log ब्रैकेट में x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, m की जगह पर log 20 पुट कर देंगे, माइनस n की जगह पर log 25 पुट कर देंगे। ओके, 2 जो है x माइनस 4 की पावर में रेज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय द लॉ ऑफ लॉगरिथम, ये तो आप जानते होंगे अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो, log x माइनस 4 की पावर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, log 20 है तो ये जो 2 जो है ये 20 की पावर में रेज हो जाएगा, तो ये जाएगा log 20 का स्क्वायर माइनस में log 25। ओके, अब देखो राइट हैंड साइड में देखो ज़रा, log m माइनस में log n फॉर्म का ये नहीं बन चुका है, तो log m माइनस में log n होता क्या है, log m अपॉन में n होता है, तो ये हो गया log ब्रैकेट में x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा log 20 का स्क्वायर अपॉन में 25। 20 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब है, 20 इंटू में 20 अपॉन में 25। ओके बेटा, 5 से काटिए, 5 ज़ा 5 4 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 4 ज़ा कितना हो गया, 16 हो गया। इधर देखो ज़रा था, ये हो गया log x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा log 60। ओके, दोनों साइड लॉग आ गया ना, लॉग से लॉग कैंसिल आउट कर दो, x माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा, तो x माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 16 आ गई। अंडर रूट 16 का आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस 4 को इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 4, माइनस 4 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। क्लियर है, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिया है, क्या लिखा है, कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, log x y इज इक्वल टू log x अपॉन में y प्लस में log प्लस में 2 log 2 इज इक्वल टू 2। आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको कर लेंगे, देखो सॉल्यूशन। ओके, देखो यहाँ पे बेसिकली तीन इक्वेशन दी हैं, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो पहले हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दिया है आपको log x y इज इक्वल टू log x अपॉन में y प्लस में, अब देखो 2 log 2 दिया है, तो ये जो 2 है, ये वाला 2 जो आगे लिखा है, ये जो है ये वाले 2 की पावर में रेज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 2। ओके, तो ये हो गया log x y इज इक्वल टू log x अपॉन में y प्लस में log 4, log m प्लस में log n फॉर्म का ये बन गया है, तो ये हो गया log x y इज इक्वल टू log ब्रैकेट में x अपॉन में y इंटू में 4। ओके, तो ये हो गया log x y इज इक्वल टू log, अब देखो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x अपॉन में y। ओके, दोनों साइड log से log कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बराबर हो चुका है, दोनों साइड log आ गया है। ठीक है, समझ में आ रहा ना, तो ये x y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4x अपॉन में y आ चुका है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y और y आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर, कितना बन गया बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
वाई के ऊपर से स्क्वायर हटेगा, 4 पर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। क्लियर है अच्छे से? अब जो वाई की वैल्यू 2 आई है ना, उठा करके ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो और इसको जो है 2 के बराबर लिख दोगे। देखो जी कैसे मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ log एक्स वाई इज इक्वल टू 2 पुट करो, y की वैल्यू आपको गिवन है तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा log। अब देखो इसका बेस कुछ नहीं है, log एक्स वाई का बेस कुछ नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट 10 होगा, ये भी आप समझते हो। तो 10 x की जगह पे x पुट करोगे, y की जगह पे 2 पुट कर दोगे, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये आपका है लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे करोगे, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू 2 के बराबर हो जाएगा। x इंटू 2 का मतलब क्या होता है बेटा, x इंटू 2 का मतलब होता है 2x, ओके? तो ये 2x हो गया। 10 का स्क्वायर इसका मतलब 100 होता है, 2 जो है अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू x हो जाएगा, 2 वन ज़ा, 2 फाइव ज़ा 10, उसके बाद 0 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50 आ जाएगी। क्लियर है, x की वैल्यू 50 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, आपका आंसर आ गया अच्छे से। क्लियर है ना? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड x, x की वैल्यू पता करनी है, क्या गिवन है, log 625 टू द बेस x इज इक्वल टू -4। आसान क्वेश्चन है बेटा ये तो, काफ़ी आसान है। log 625 टू द बेस x इज इक्वल टू -4, लॉगरिथमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, x की पावर -4 करोगे अगर तो ये 625 के बराबर हो जाएगा। x की पावर -4 करने का मतलब क्या है, 1 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 625, x की पावर 4 को 625 की जगह पर भेजोगे, यानी क्रॉस शिफ्टिंग करेंगे और 625 को x की पावर 4 की जगह पर ले आओगे, तो ये 1 अपॉन 625 इज इक्वल टू x की पावर 4 हो जाएगा, ओके? अब देखो अगर यहाँ से आपको पावर 4 हटानी है तो इसका फोर्थ रूट करना पड़ेगा दोनों साइड फोर्थ रूट कैसे करेंगे, 1 अपॉन 625 की पावर 1 बाई 4 कर दोगे इज इक्वल टू x की पावर 4 इंटू में 1 बाई 4 कर दोगे, दोनों साइड हमने पावर कितनी कर दी, 1 बाई 4 कर दी, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू मिला 1 अपॉन 625 की पावर 1 बाई 4, और 625 को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन 5 की पावर 4, ओके, की पावर 1 बाई 4, 1 की पावर 1 बाई 4 करेंगे तो वो 1 ही रहेगा अपॉन में, 5 की पावर 4 है इंटू में 1 बाई 4 कर देंगे तो 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 5 आ गई। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ओके? वही सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, ये तो डायरेक्ट आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लो, x की पावर 2 कर दोगे डायरेक्ट यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस में 6, ओके बेटा? क्लियर है अच्छे से, इस शोर के लिए बेटा मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको बता चुका हूँ पहले ही सेटअप बदला है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है, मैंने अपना सेटअप दूसरी जगह पे लगाया है। एक्स स्क्वायर 5x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -5x, -6 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। क्वालिटी की क्वेश्चन बनी है, सॉल्व कर लेंगे, 6 को उठा करके एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा, ये भी आप समझते हो, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 ही आएगा। अब 6 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, तो 2 और 3 में ब्रेक कर देंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, 2 और 3 को प्लस करोगे, माफ़ करिएगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 2 और 3 को प्लस करोगे तो 5 आएगा, ठीक है? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स, 5 को लिख सकते हैं 2 प्लस 3 और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x बचेगा माइनस में 2 बचेगा, इन दोनों में माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पे माइनस में 2 बचेगा इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0,
x माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू 2 आ गई। x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्लियर है अच्छे से? ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बता दो।